नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार रा और मैं आज आपसे ब्लैक वारंट के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि नाम आपने ब्लैक वारंट का सुना ही होगा, शायद इससे परिचित हूं और हो सकता है कि शायद इससे परिचित ना भी हूं। और ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो लॉ के फील्ड से हैं उनके लिए भी और जो लॉ के फील्ड से नहीं हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए फायदेमंद है और जानना जरूरी भी है। तो शुरू करते हैं कि आखिर ब्लैक वारंट क्या होता है। ब्लैक वारंट क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर वारंट क्या होता है, क्योंकि इस शब्द से सभी लोग परिचित हैं। वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र। कहने का मतलब ये है कि जब कोई हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट, किसी पर्सन को या किसी अथॉरिटी को जब ये ऑथराइज करती है कोई कार्य करने के लिए, तो उसे वारंट कहा जाता है। यानी जब भी हायर अथॉरिटी किसी लोअर अथॉरिटी को या किसी पर्सन को कोई कार्य करने के लिए अथराइज करेगी, तो उसे हम वारंट कहते हैं। और ये वारंट कई प्रकार का हो सकता है। बहुत से वारंट का नाम आपने सुना भी होगा, जैसे आपने सुना होगा अरेस्ट वारंट का नाम सुना होगा, आपने सर्च वारंट का नाम सुना होगा, आपने अरेस्ट वारंट का नाम सुना होगा, आपने रिलीज वारंट का नाम सुना होगा, आपने एग्जीक्यूशन वारंट का नाम सुना होगा। तो ये जो ब्लैक वारंट है ना, वो एग्जीक्यूशन वारंट ही होता है। ब्लैक वारंट एग्जीक्यूशन वारंट ही होता है, हम जिसे डेथ वारंट भी कहते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये होता कब है, कौन इश्यू करता है। आप जैसा कि जानते भी होंगे कि सीआरपीसी के अंतर्गत डेथ सेंटेंस देने का अधिकार या तो सेशन कोर्ट को है या फिर हाई कोर्ट। लेकिन अगर सेशन कोर्ट किसी मामले में डेथ सेंटेंस अगर देती है, तो उसका एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होता जब तक कि हाई कोर्ट उसका कंफर्मेशन कर नहीं देता है। लेकिन अगर किसी अपील में या रिवीजन में हाई कोर्ट किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस देती है, तो उसके लिए किसी से कंफर्मेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। तो चाहे डेथ सेंटेंस सेशन कोर्ट ने दिया है या डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट ने दिया है, जब उनका एग्जीक्यूशन कराना होता है तो उसके लिए जारी होता है डेथ वारंट। और मैं एक और चीज बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 413 413 के अंतर्गत सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए डेथ सेंटेंस के लिए ब्लैक वारंट जारी होता है, और 414 के अंतर्गत हाई कोर्ट द्वारा दिए गए डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए ब्लैक वारंट जारी होता है। उसका एग्जीक्यूशन जो कराना है वो कोर्ट ऑफ सेशन को ही कराना होता है, हाई कोर्ट पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं कराता। तो ये आपका ब्लैक वारंट होता है, यानी डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन का वारंट ब्लैक वारंट होता है। थोड़ी सी चीजें इसके बारे में और जान लेते हैं। सीआरपीसी के ही सेकेंड शेड्यूल में डेथ वारंट यानी ब्लैक वारंट के प्रारूप का वर्णन किया गया है कि उसका प्रारूप क्या होगा। तो कुछ नहीं, उसमें प्रारूप में यही होता है कि ये पनिशमेंट किसको दिया जाना है, इस पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन किसके द्वारा किया जाना है, इसका एग्जीक्यूशन कब किया जाएगा। और उसमें ये भी बात लिखी रहती है कि इस व्यक्ति को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु ना हो जाए। ये बात 354 के क्लास नंबर 5 में भी लिखी हुई है कि उस व्यक्ति को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो इस प्रकार हमने ये समझा आज के लेक्चर के अंतर्गत कि डेथ वारंट या ब्लैक वारंट क्या होता है। तो एक लाइन में हम कहें तो किसी भी डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए जो वारंट जारी किया जाता है, वो वारंट जो कहलाता है वो ब्लैक वारंट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। निश्चित रूप से आप लोगों को लिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देता रहूँगा, अच्छी अच्छी जानकारियाँ शेयर करता रहूँगा। नमस्कार, थैंक यू।